दोस्तों, संजय राउत के लिए सबसे बड़ी खबर है, राउत को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है। और हालात ये हैं कि अब संजय राउत पर सबसे बड़ा असर, मारक असर होने वाला है। राउत को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है मुंबई में। खबर तो यहाँ तक है कि संजय राउत को बलि का बकरा बना दिया गया है। राउत पूरी तरह से अटक गए हैं, लटक गए हैं, क्योंकि खबरें तो यहाँ तक हैं कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच दोस्ती जैसी खबरें आ रही हैं, बात आ रही है, दोनों की एक होने की बात आ रही है। और इसके लिए शर्त सिर्फ और सिर्फ संजय राउत ही है, क्योंकि फडणवीस की आंखों में शूल की तरह चुभ रहे थे। तो बताते हैं आपको क्या है अपडेट, क्या है पूरा मामला, क्या होगा अब आगे संजय राउत का। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं, और कब तक जेल में रहेंगे ये तो फिलहाल कानून के दायरे में है। हालांकि फिलहाल उनकी जमानत कब होगी ये भी कोर्ट ने तय करना बाकी है, क्योंकि अभी जमानत पर फाइनल सुनवाई हुई नहीं है। लेकिन इस फाइनल सुनवाई से ठीक पहले बहुत बड़ा बवाल मुंबई में हो गया है, क्योंकि राउत की बलि की तैयारी चल रही है, राउत को निपटाने की तैयारी चल रही है, संजय राउत के पूरी तरह से खात्मे की तैयारी चल रही है, और इसकी बड़ी प्लानिंग हो गई है, तैयारी हो गई है। पूरा मामला आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, समझाते हैं। तो असल में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सुलह की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर, बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि दोनों के एक साथ आने की बातें आ रही हैं। खबर मुंबई से आ रही है, जिसके मुताबिक उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ एक बार फिर से आ सकते हैं, या कहें कि शिवसेना और बीजेपी के एक बार फिर से दोस्ती हो सकती है, महादोस्ती। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके लिए बीच में कांटा बन रहे संजय राउत को भी निपटाया जा रहा है, अकेला किया जा रहा है, अकेला छोड़ा जा रहा है। और कहानी यह है कि संजय राउत की शर्त पर ही ये दोस्ती हो रही है। असल में सूत्रों का कहना है कि संजय राउत बीजेपी और शिवसेना की आंखों में लंबे समय से चुभते रहे हैं, लेकिन 2019 में उद्धव सरकार बनाने और बीजेपी के साथ गठबंधन को तोड़ने में संजय राउत का ही सबसे बड़ा रोल था। और तब से तो बीजेपी के अन्य नेता हो या फिर देवेंद्र फडणवीस, सभी संजय राउत को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते रहे हैं, क्योंकि संजय राउत की वजह से बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने क्योंकि संजय राउत अड़ गए थे, और इसीलिए संजय राउत ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे की सरकार बनवा दी। और इसीलिए जब भी शिवसेना और बीजेपी की दोस्ती की बात आई तो बीच में हमेशा संजय राउत आ गए। उद्धव ठाकरे हमेशा ही संजय राउत को अपना करीबी मानते रहे, और बीजेपी वाले संजय राउत को सबसे बड़ा दुश्मन। लिहाजा चाह कर भी बीजेपी और शिवसेना एक साथ नहीं आ पाते, मगर इस बार संजय राउत बीच में है ही नहीं, क्योंकि संजय राउत तो जेल के अंदर बंद है। अब प्लानिंग यही है कि संजय राउत को जेल के अंदर ही सड़ा दिया जाए, और ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। अंदर खाने से आ रही खबरों के मुताबिक संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच में बात भी हुई है। संजय राउत को अकेला छोड़ने पर सहमति बन गई है, यानी कि राउत को अकेला छोड़ दिया जाएगा, राउत को जेल में ही छोड़ दिया जाएगा, और एक तरह से कहें तो संजय राउत की बलि हो जाएगी, क्योंकि राउत के बिना ये डील हो रही है, और राउत को बीच में रखकर ही शर्त रखी गई है। राउत को बचाने की कोई भी कोशिश अब नहीं होगी, और तभी ये बात आगे बढ़ पाई है। असल में दिवाली के मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि राजनीति में काफी सारी कड़वाहट आ गई है, और इस कड़वाहट को दूर करना चाहिए, और राजनेताओं में मतभेद नहीं होने चाहिए। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अपनी तरफ से पहल करें, हम भी तैयार हैं। यानी कि साफ साफ दोस्ती का इशारा, दोस्ती की बात कह दी थी, जिसके बाद ही माना जा रहा था कि बीजेपी और शिवसेना में फिर से दोस्ती हो सकती है, और जो होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि इसके बाद ही मामला आगे बढ़ा, बात आगे बढ़ी। लेकिन ये सब कुछ हुआ संजय राउत की कीमत पर, राउत की शर्त पर, राउत को अकेला छोड़ने पर, राउत को निपटाने की शर्त पर। लिहाजा मामला कुछ भी हो, फंसना और अटकना संजय राउत का ही तय है, क्योंकि दोस्ती होती है तो संजय राउत अटक जाएंगे, ये कंफर्म हो जाएगा, और अगर दोस्ती नहीं होती है तो फिर तो संजय राउत बुरी तरह से फंसे ही हुए हैं, और कब तक फंसे रहेंगे कहा नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस साथ आ सकते हैं, ऐसी बड़ी खबरें मुंबई से आ रही हैं, और इसके लिए संजय राउत का निपटना तय है। तो आपका क्या मानना है, कितनी बड़ी मुश्किल ये संजय राउत के लिए है, कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में कटुता आने की बात कही थी, और संजय राउत ने फडणवीस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खूब ताने मारे हैं।
दरअसल संजय राउत खुद तो डायरेक्ट नहीं बोले, मगर शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि सामना मुखपत्र पूरी तरह से संजय राउत पर निर्भर है। जब से राउत जेल गए हैं, सामना का संपादकीय कॉलम कड़कनाथ नाम से निकल रहा है, मगर सच तो यही है कि अब भी सामना में जो भी लिखा जा रहा है, जिसके बारे में भी लिखा जा रहा है, उसके लिए बाकायदा संजय राउत की अनुमति और सलाह दोनों ली जा रही हैं। राउत से पूछे बगैर इस संपादकीय में कुछ भी नहीं लिखा जाता। अब राउत से जेल में मिलने के बहाने जाने वाले लोग इशारे में सामना के संपादकीय के बारे में क्लू लेकर आते हैं और बाहर आकर उसी पर लिखा जाता है और उसी का एक सबूत अब देवेंद्र फडणवीस के रूप में निकल के आ रहा है। तो अब हाल ही के कॉलम में छपा है, उसमें देवेंद्र फडणवीस को पूरी तरह निशाना बनाया गया है। तो इस कॉलम में क्या कुछ लिखा है, हम आपको एक एक शब्द बताते हैं। सामना में लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस में नए सत्ता परिवर्तन के बाद परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आ गई है, ऐसा प्रतीत होने लगा है, क्योंकि दिवाली के उपलक्ष्य में फडणवीस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें फडणवीस ने जो महत्वपूर्ण मुद्दा रखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी कटुता आ गई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। अब सामने में कहा गया है कि फडणवीस के मन में आया है तो कटुता खत्म करने का बीड़ा भी उन्हें ही उठाना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में न केवल कटुता बल्कि बदले की राजनीति का विषैला प्रभाव उमड़ रहा है और इस प्रभाव का मूल बीजेपी की हालिया राजनीति है। फडणवीस को पछतावा होने लगा है तो विश्व को अमृत बनाने का काम भी उन्हें खुद को ही करना चाहिए। सामने में कहा गया कि फडणवीस कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कटुता अब राजनीतिक वैनमस तक पहुंच गई है, मगर महाराष्ट्र की ऐसी संस्कृति नहीं है। राजनीतिक मतभेद हो फिर भी सभी पार्टियों के लोग एक दूसरे से बोल सकते हैं, एक दूसरे से आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, लेकिन अब जो हालात हैं उसके बाद तो एक दूसरे की पार्टी के लोग मिलना जुलना तक भूल चुके हैं, लिहाजा ये कटुता कम कैसे होगी, इसका प्रयास अब देवेंद्र फडणवीस को ही करना चाहिए। आगे सामना में लिखा है कि महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल में 3 सत्ता परिवर्तन हुए, इनमें से 2 सत्ता परिवर्तन सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हुए हैं। अजीत पवार की मदद से फडणवीस और उनकी पार्टी ने सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास किया जो फंस गया। ये प्रयोग सफल हुआ तो वो जनमत या जनता अथवा ईश्वर की इच्छा साबित होता हुआ दिखा, लेकिन वहाँ महाविकास आघाड़ी का प्रयोग सफल होते ही इसे असंवैधानिक सरकार बता दिया गया, जो कि पूरी तरीके से दोहरापन है। सामना में आगे लिखा है कि ये दोहरापन ठीक नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति में कटुता ना रहे और राज्य के कल्याण के लिए सभी को एक साथ बैठना चाहिए, यही राज्य की परंपरा है, लेकिन इस परंपरा को अब पूरी तरीके से तोड़ा जा चुका है। सामना में लिखा है कि समन्वय की राजनीति की महाराष्ट्र में हमेशा से परंपरा रही है। जसवंत राज चौहान, शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार जैसे बड़े नेताओं ने हमेशा मिलजुल कर राजनीति को आगे बढ़ाया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उसे बुरी तरीके से तोड़ दिया।